हेलो दोस्तों, आज हम एक एग्रो इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका प्राइस आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक मत कीजिए तो भी चलेगा, ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुँच जाए। मेरा मकसद बस उतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों कि IFB एग्रो इंडस्ट्री कंपनी का प्राइस देख सकते हो 436 है, और कंपनी का जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस टाइम खरीदारी नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपके हाथ से प्राइस निकल जाए। तो जम के खरीदारी कीजिएगा, एक भी मौका छूटना नहीं चाहिए। ओके दोस्तों, यहां पर कुछ लगता है कि अच्छा मौका आपको दिखते हुए नजर आ रहा है। यहां पर देख सकते हो 5 साल का, अगर मैं चार्ट दिखाऊं 5 ईयर्स का, तो देखिए चार्ट पूरा गिरा हुआ दोस्तों। मतलब ये जो स्टॉक का लेवल होना चाहिए 800 के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये जो मिल जा रहा है दोस्तों हमें 400 के आसपास, मतलब कि काफी मान सकते हैं कि 50% डिस्काउंट पे मिल जा रहा है। तो इस कंपनी को नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि इसने जो है रिजल्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश किया है, और कंपनी का प्राइस भी गिरा हुआ है, मतलब अंडर वैल्यूड। और इस कंपनी ने 1 साल के अंदर जो है 26% का नेगेटिव रिटर्न दिया, क्योंकि दोस्तों ऊपर से डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा था। लेकिन अब जो है ये रिजल्ट अच्छा पोस्ट करने की वजह से आप देख रहे हो 10% का यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न बना रहा है, वो भी विद इन ए मंथ। तो हमें ऐसे कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, मैं फंडामेंटली आपको कंपनी को दिखाता हूँ दोस्तों कि कंपनी के पास हर एक चीज़ पॉजिटिव में है एक्सेप्ट वन, वो क्या है? तो वो है डिविडेंड रिटर्न। दोस्तों डिविडेंड रिटर्न जो है कंपनी ने अच्छा नहीं दिया, मानते हैं, क्योंकि कंपनी को लॉस हो रहा था अभी तक, इसलिए कंपनी ने डिविडेंड रिटर्न नहीं दिया। बाकी यहाँ पर देख सकते हो एंट्री पॉइंट, वो भी अच्छा है, और यहाँ पर रिटर्न ऑन FD चाहे इंटरेस्टिंग वैल्यू देख लो, वो सारे अभी अच्छे हैं। और यहाँ पर डिविडेंड के मामले में देख सकते हो कंपनी ने नहीं दिया, क्योंकि इसका प्राइस नीचे ही गिरते जा रहा था। तो कंपनी का प्राइस नीचे गिर रहा था, तो हमें ये भी चेक करना चाहिए कि प्रमोटर्स का यहाँ पर होल्डिंग कैसा है, मतलब प्रमोटर्स का पकड़ कितना है। अगर किसी भी शेयर का प्राइस डिक्रीज होता है तो सबसे पहले प्रमोटर्स को चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर शेयर में डिक्रीज आएगा तो प्रमोटर्स को भी नुकसान होगा। तो प्रमोटर्स के पास कितना था, कितना शेयर था उनके पास, तो यहाँ पर देख सकते हो उनके पास 65% हिस्सेदारी था, मतलब कि मोर देन 50%। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिनिमम तो आपको 50% रखना ही चाहिए एज ए प्रमोटर करके। तो यहाँ पर मोर देन 65-70 होता तो और भी अच्छा रहता। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो, चाहे म्यूचुअल फंड वालों ने हो, वहाँ पर देखिए थोड़े थोड़े सब लोगों ने लिया है, बाकी सब पब्लिक को ही मिला है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी प्रमोटर ने अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है। और यहाँ पर देखिए लॉस हो चाहे कुछ भी हो, प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग को कॉन्स्टेंट रखा है, मतलब कि कभी भी चेंज नहीं किया, ना ही डिक्रीज किया ना ही इंक्रीज किया। चलिए इंक्रीज होता तो कोई पॉजिटिव था, लेकिन डिक्रीज भी नहीं किया। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ जैन से, ठीक है, 2018 सब कुछ देख लो, यहाँ पर देख लो। तो टोटल प्रमोटर का जो होल्डिंग है इन्होंने कॉन्स्टेंट रखा है, कभी भी चेंज नहीं किया। इसका मतलब दोस्तों कंपनी में दम है, दम है, लेकिन 1-2 दिन के लिए नहीं। आप इंट्राडे करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा मत कीजिए, वो अच्छा नहीं है। अगर फ्यूचर ऑप्शन करना चाहते हो तो भी नहीं, इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यहां पर देख लीजिए कंपनी का जो प्राइस है वो अच्छे लेवल पे हमें मिल रहा है, क्योंकि यहां पर देखो दोस्तों सेम, यहां पर एक बॉटम देख लीजिए, यहां पर एक बॉटम देख लीजिए आप लोगों के सामने। यहां पर जब एक बॉटम बनाया था उसके बाद इतना बड़ा बाउंस बैक लिया था कि 400 का शेयर जो है 900 बन गया था, मतलब कि पैसा डबल हो गया था, ठीक है, आप लोगों के आंख के सामने है, मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पर तो आप बिलीव कर सकते हो। उसके बाद हाँ गिरावट आई तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गिर गया, और ये 250 के आसपास चला गया, 250 से 450 आया। तो ये जो लेवल है दोस्तों ये ज़्यादातर नहीं तोड़ने वाला, आप इस लेवल पे खरीद के अपने पोर्टफोलियो के एक कोने में जगह दे सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपका कुछ ना कुछ धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट हो सके। तो दोस्तों मार्केट जो है ओपन होने वाला, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे कुछ अच्छा करके दिखाएंगे वहाँ।